नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो ये जो सीरीज है हम पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के बारे में जो बना रहे हैं, पहले जो बनाई थी आपने देखी होगी कि पीवीसी फ्लोरिंग फॉर होम्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीवीसी फ्लोरिंग फॉर कॉमर्शियल स्पेसेस, स्पेशली पीवीसी फ्लोरिंग फॉर फैक्ट्रीज या वर्क स्पेसेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग फॉर फैक्ट्रीज या वर्कशॉप की जो मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी हर तरीके की फैक्ट्री में आप विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जहां पे भी बहुत भारी भरकम लोहे लकड़ का या बहुत ग्रीस वगैरह का, ऑयल का, इस तरीके का काम होता है, तो वहां पे सोच समझ के विनाइल फ्लोरिंग लगानी चाहिए। लेकिन अगर आपके लाइट जैसे कोई फर्निशिंग से रिलेटेड कोई फैक्ट्री है, कोई गारमेंट इंडस्ट्री है, कोई अपोल्स्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जहां पे आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करने की जरूरत है, या कहीं कोई मेडिकल दवाई से रिलेटेड कोई फैक्ट्री है, ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा भारी भरकम रफ काम नहीं हो रहा हो, जहां पे तेल ग्रीस का काम नहीं हो, बहुत नुकीली चीजें उठा पटक भारी भरकम काम नहीं हो रहा हो, वहां पे विनाइल फ्लोरिंग एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और आपको बहुत बढ़िया सर्विस देगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका ये डिसीजन कि आपने विनाइल फ्लोरिंग लगाई। इसके अलावा आप कोई भी जो लाइट हेवी मतलब कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भारी काम हो, वहां ऐसी जो गोडाउन्स होती है, वर्कशॉप्स होती है, जहां पे नॉर्मली लोग इपॉक्सी फ्लोरिंग कराना पसंद करते हैं, वहां पे भी अगर आप चाहें तो विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारी गारमेंट इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे जो ये परफ्यूम वगैरह बनाने की कंपनी है, बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स या जो पेपर बनाने के लिए जो वायरनेस बनती है उन फैक्ट्रीज में, जहां पे बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से डिसिप्लिन से साफ सुथरा काम होता है, वहां पे विनाइल फ्लोरिंग लगाई है और बहुत सालों से 15-15, 20-20 सालों से उनके वहां पे वो विनाइल फ्लोरिंग लगी हुई है और बहुत बढ़िया सर्विस देती है उनको, बहुत अच्छा हुआ उनको, बहुत मतलब जो ना वैल्यू फॉर मनी, जो जितना उन्होंने पैसे लगाए उससे काफी अच्छी सर्विस उनको उस विनाइल फ्लोरिंग से मिल रही है। उसमें माइनर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी आपको बता दूं। जब भी आप कभी फैक्ट्री में या वर्कशॉप वाली जगह पे जहां पे भी आपको लगे कि विनाइल फ्लोरिंग, जहां पे आपको फर्श जो है उसकी साफ सफाई और क्लीनलीनेस जरूरी हो, या जो रॉ फ्लोर होती है सीमेंट की या टाइल की, फ्लोर पे आपको काम करने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो रहा हो या उसकी वजह से कोई असुविधा आ रही हो, तो आप विनाइल फ्लोरिंग जरूर लगाने के बारे में सोचिएगा। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल स्पेस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में विनाइल फ्लोरिंग लगाएं, तो बिल्कुल गलती से भी कोई भी हल्की सस्ती विनाइल फ्लोरिंग मत लगाइएगा, अच्छी क्वालिटी की बढ़िया विनाइल फ्लोरिंग लगाइएगा और 2 mm से कम की विनाइल फ्लोरिंग मत लगाइएगा। वैसे भी 2 mm से ज्यादा की विनाइल फ्लोरिंग की आज कोई जरूरत नहीं होती है और मिलती भी नहीं है। अगर आपको 2 mm से ज्यादा की विनाइल फ्लोरिंग चाहिए तो आपको अगेंस्ट ऑर्डर पहले ऑर्डर दे करके मंगानी पड़ती है। तो जब भी आप अपने वर्कशॉप में, गोडाउन में या इंडस्ट्री में विनाइल फ्लोरिंग लगाने के बारे में सोचे, तो आप 2 mm की विनाइल फ्लोरिंग जरूर लगाइएगा। आपके कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी आप डाउट में हो कि यार मेरे यहाँ पे क्या विनाइल फ्लोरिंग चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो आप नीचे कमेंट में मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि किस टाइप की इंडस्ट्री में विनाइल फ्लोरिंग सूट करेगी, किस टाइप की इंडस्ट्री में विनाइल फ्लोरिंग सूट नहीं करेगी। इसका मतलब ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि हर जगह पे हर तरीके की फैक्ट्री में विनाइल फ्लोरिंग सूट नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में आपको विनाइल फ्लोरिंग क्यों लगानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है इसके ऊपर एक सेकेंडरी लेयर, एक एडिशनल फ्लोर का काम करती है, जिससे कि अगर आपकी फर्श में कोई डिफेक्ट है या कोई टूट रही है, फूट रही है या बाद में कोई डैमेज आ जाता है, तो उसको ये छुपा के रखती है और उसको, पहली बात तो उसको टूट मतलब जो उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा देती है, और दूसरी किसी कारण से नीचे कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई क्रैक वगैरह आ जाता है, तो उसको ये छुपा के रखती है, अपने नीचे दबा के रखती है, जिससे आपको वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने विनाइल फ्लोरिंग लगाया और किसी कारणवश आपके बहुत सालों बाद अगर आपकी विनाइल फ्लोरिंग खराब हो गई है, तो आप विनाइल फ्लोरिंग हटाइए और आपकी जो नीचे की फ्लोर है उसमें कोई माइनर डैमेजेस वगैरह उसको आप ठीक कराइए और दोबारा से विनाइल फ्लोरिंग लगा दीजिए, तो ये फटाफट होने वाला काम है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो आपका जो क्या बोलते हैं मैन आवर लॉस जो होता है ना, फैक्ट्री का जो काम का जो नुकसान है वो कम होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एरिया को आप बाइफर्केट करके उधर आप फ्लोरिंग कराएं, दूसरे एरिया में आपका काम चलता रहे, फिर जब उधर विनाइल फ्लोरिंग हो जाती है तो विनाइल फ्लोरिंग का एक एडवांटेज ये है कि लगते ही आप तो तुरंत उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं आपको वेट करना पड़ता हो कि भी वो सूख जाएगी उसके बाद यूज करें, इधर लगाया उधर आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिवाइड करके भी विनाइल फ्लोरिंग लगा हटा सकते हैं। रिनोवेशन कॉस्ट तो डेफिनेटली बहुत कम है और रिनोवेशन की जो टाइम है वो भी बहुत
कम लगती है। जैसे अगर आप मान लीजिए शाम को भी अगर आप जो आपकी जो विनाइल फ्लोरिंग करने वाली एजेंसी है उसको आप हैंडओवर करते हैं साइट, तो सुबह तक आपको वो कम से कम 1000-2000 स्क्वायर फुट आराम से करके आपको रेडी सुबह दे देगा और सुबह आप इमीडिएटली उस जगह को काम में ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे भी विनाइल फ्लोरिंग लगाई हुई होती है वो जो जगह है वो रिसाइलेंट हो जाती है, थोड़ी रिसाइलेंसी होती है, नॉइज जो नॉइज लेवल है चप्पल सरकने की आवाज और भी कोई आवाज है एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज इंप्रूव करती है, रिसाइलेंट फ्लोरिंग है, अच्छी फ्लोरिंग है। आप जिस भी एरिया में विनाइल फ्लोरिंग लगाएंगे वहां पे आपकी क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी, वो बहुत आसानी से जगह साफ हो जाएगी, मॉपिंग वगैरह बहुत ईजी हो जाएगी, वैक्यूम क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और उस एरिया को वो साफ सुथरा और अच्छा लुक देती है विनाइल फ्लोरिंग। बहुत सारी जगह पे आपको चप्पल जूते उतार के काम करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो या कपड़ों से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो या कोई पूजा वगैरह से रिलेटेड का काम जहां पे होता हो या जहां पे कोई मसाले वगैरह का काम होता है, जहां पे कि जो ओनर है वो हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करता है और जो वर्कर्स है उनको जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं आने देना चाहता, ऐसी जगह पे विनाइल फ्लोरिंग बहुत शानदार प्रोडक्ट है। वहां पे वर्कर आपको कभी भी ऐसे अनइजी नहीं लगेगा कि उनको जूते चप्पल उतार के काम करना पड़ा है, उनको थकान भी नहीं होगी, उनके पाँव में दर्द भी नहीं होगा विनाइल फ्लोरिंग अगर आप लगाते हैं अच्छी क्वालिटी की 2 mm के आसपास, तो ये बेयर फुट वर्किंग के लिए बहुत अच्छी है। एक और चीज ये है कि ये एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल विनाइल भी अगर आप लगाएंगे ना तो काफी हद तक एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करती है, लेकिन अगर आपको एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग चाहिए जो हल्का सा जो करंट वगैरह लगता है जिससे बिल्कुल हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स वगैरह में आप काम करते हैं तो वो स्टैटिक करंट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाता है। ऐसी जगह पे भी आप विनाइल फ्लोरिंग लगाने से आपको स्टैटिक जो ना ईएसडी इफेक्ट चाहिए या एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज चाहिए जहां पे हुई वहां पे आप विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशली ये एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग चाहिए तो इसी में विनाइल में एंटी स्टैटिक ग्रेड की अलग से फ्लोरिंग आती है वो लगवाइए, नीचे कॉपर स्ट्रिप वगैरह लगा करके प्रॉपरली अगर आप विनाइल फ्लोरिंग लगा देते हैं तो आपकी जो स्टैटिक करंट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ये प्रोडक्ट सॉल्व करता है। इसके साथ साथ जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को डैमेज होने से विनाइल फ्लोरिंग बचाती है, वैसे ही अगर आपके जो बिल्कुल लाइट एकदम जैसे ना फ्रजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, महंगे कपड़े हैं या कोई और भी, मैं आपको अभी मेरे को वर्ड नहीं आ रहा किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो प्रोडक्ट जिनको बहुत साफ सफाई बहुत केयर की जरूरत होती है, फ्लावर फूलों का काम हो कहीं पे, गुलकंद का काम हो, इस तरीके की जगह पे भी आप विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां भी एकदम बिल्कुल क्लीनलीनेस और बिल्कुल लाइट हल्की तरीके से उस चीज को बहुत केयरफुली जिन चीजों को हैंडल करने की जरूरत हो वहां पे आप विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी विनाइल फ्लोरिंग बहुत अच्छा काम कर सकती है क्योंकि विनाइल फ्लोरिंग में डायरेक्ट ड्रॉप डैमेज मतलब कोई चीज आपकी हाथ से छूटी और जमीन पे गिरी तो कोई भी आपकी चीज हाथ से छूटेगी जमीन पे गिरेगी तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहीं अगर आपकी विनाइल फ्लोरिंग लगी हुई है वो भी 2 mm की तो जो डायरेक्ट ड्रॉप डैमेज की जो प्रॉब्लम है ना वो भी काफी हद तक विनाइल फ्लोरिंग कम कर देती है। अगर आपके बहुत ही ज्यादा चैलेंज हो तो डेफिनेटली आपको कारपेट या और 4.5 mm की सॉफ्ट विनाइल आती है अलग से और इस किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे वो विनाइल लगानी चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए 1.5-2 feet के ऊपर से ऊंचाई से कोई चीज गिरता है तो वो ड्रॉप डैमेज जिसको बोलते हैं ना, जैसे सपोज मान लीजिए किसी ज्वेलर का कोई डायमंड गिरा टेबल से नीचे गिर गया अगर मान लीजिए तो वो जो इम्पैक्ट है जमीन से टकराने का वो विनाइल फ्लोरिंग काफी रिड्यूस कर देती है तो उसकी जो टूटने की जो है ना डैमेज की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है, लेकिन अगर आपका बहुत ही सीरियस हो तो डेफिनेटली विनाइल से ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा कारपेट, लेकिन अगर आपको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप देखिए डिसीजन तो आपको लेना है, तो आपको ये लगे कि यार क्या मेरे यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग काम करेगी और आप डाउट में हो तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये जो आपका प्रोडक्ट है उसको जमीन से कॉन्टैक्ट में आने के जो डस्ट होती है ना धूल, क्योंकि जो नॉर्मल जो जमीन होती है साधारण जो सीमेंट कॉन्क्रीट की या विट्रीफाइड टाइल हो गई या मार्बल है ग्रेनाइट है इसमें स्टैटिक करंट की वजह से धूल चिपक जाती है तो फिर वो आपके प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाती है, तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के दौरान या पैकिंग के दौरान गंदा होने से बचाना हो तो वहां पे आपको विनाइल फ्लोरिंग ऐड करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे विनाइल फ्लोरिंग की लगती है कि वो फ्लोर में बहुत सुंदर सुंदर कलर ऐड कर देती है, तो एक जो था ना कोई भी कहीं पे भी काफी अच्छी सी जैसे फैक्ट्री हो गई वर्कशॉप हो गई ये नॉर्मली ऐसे बोरिंग सी जगह मानी जाती है तो वहां पे काफी सारे कलर्स ऐड करके आप बहुत सारी लाइफ और एनर्जी आप ऐड कर सकते हैं। विनाइल फ्लोरिंग अगर आप अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं तो ये बहुत ड्यूरेबल होती है, काफी साल तक चलती है, करीब करीब 10-10, 15-15 साल तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो वैल्यू फॉर मनी है। जितने आप पैसे खर्च करते हैं 100-150 rupees की अगर आप स्क्वायर फुट की भी विनाइल फ्लोरिंग अगर आप लगाते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए ये अगर आप बहुत कॉमर्शियल सोचेंगे और सस्ती भी विनाइल फ्लोरिंग लगाएंगे तो 40-50 rupees स्क्वायर फुट से लगनी शुरू हो जाती है और बिल्कुल अच्छी प्रीमियम
जो सफाई में भी आसान हो, और बिल्कुल समझ लीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं कि एक बार लगा दें और उसकी बहुत ज्यादा याद रखना नहीं पड़े, तो आप 100 रुपए स्क्वायर फुट तक की विनाइल फ्लोरिंग अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये बहुत सालों तक चलती है। जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो बिल्कुल आपको 100% आपको रिटर्न देके ही अपने आप को रिटायर करेगी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसका केयर कर लिया। केयर सिर्फ आपको ये करना है कि कहीं पे भी आपके जॉइंट हो वो खुल रहे हैं अगर या उतर रहे हैं, उसको आपको तुरंत चिपकाना है। इसका एक दूसरा उपाय और है कि आप जॉइंट्स को वेल्ड भी करा सकते हैं, जॉइंट की वेल्डिंग की भी पॉसिबिलिटी है, उसको आप वेल्ड भी करा सकते हैं ताकि ये जो बार बार उतरने की प्रॉब्लम है इससे भी आप निजात पा सकते हैं। विनाइल फ्लोरिंग जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर आप उसके ऊपर भी पोछा लगाते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वाटर रेजिस्टेंट है, उसको वाटर प्रूफ ही बोल देता हूं, ये वाटर प्रूफ है। और किसी कारण से आपके विनाइल फ्लोरिंग के नीचे भी हल्की फुल्की सीपेज वगैरह आ रही है, थोड़ी मॉइस्चर आ रहा है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो उसको भी ये बियर करती है। डेफिनेटली वो एडेसिव को खराब करेगा जो नीचे से जो सीपेज आ रहा हो, लेकिन जो सीपेज की वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है उसके लिए एक बीच में चौकीदार का काम डेफिनेटली कर सकता है। तो वो अगर प्रॉब्लम, वो सारी अलग अलग चीजें होती है, हर जगह पे अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, आप इसमें पानी गिराइए, कुछ भी करिए, चाय गिरे, कुछ भी करे, बिल्कुल आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं, पानी डाल के धो भी सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग की जॉइंट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर एडेसिव और पानी का जो है दुश्मनी होती है, तो एडेसिव और पानी की मतलब क्या समझ लीजिए बिल्कुल बैर है, जहां भी एडेसिव का और पानी का कॉन्टेक्ट आता है तो एडेसिव डेड हो जाता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको लगाना बहुत आसान है और हटाना और नया लगाना भी बहुत आसान है। उसके साथ साथ एक बहुत प्यारी चीज जो मुझे विनाइल फ्लोरिंग की लगती है कि ये स्लिप रेजिस्टेंट होती है। जैसे सपोज मान लीजिए आपने किसी कारण से इसमें पोछा लगाया, फ्रीक्वेंटली आपको क्लीनिंग करनी है, बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और सपोज मान लीजिए दिन भर में आप 4 बार या 5 बार पोछा लगाते हैं और पोछा लगे हुए में कोई आपका स्टाफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ये स्लिप रेजिस्टेंट होती है, फिसल के गिरने की रिस्क विनाइल फ्लोरिंग में बहुत कम रहती है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि एक तो इसकी जॉइंट खुल सकती है, जॉइंट श्रिंक हो सकती है, और कहीं पे गर्म चीज मतलब आग से ये जल सकती है, डैमेज हो सकती है, ये मेजर 2-3 माइनस पॉइंट है। इसके अलावा हो सकता है किसी जगह पे विनाइल फ्लोरिंग सूट नहीं करे वो एक अलग बात है, बाकी इसके अलावा मुझे इस प्रोडक्ट में बहुत मेजर कोई डिसएडवांटेज दिखता नहीं है। फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक डिसएडवांटेज पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा इंडस्ट्री स्पून से। डेफिनेटली मुझे मालूम है कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चैनल में अपलोड करके रख देता हूँ, जिसके भी काम आए उसके काम आ जाएगा, उसको फायदा होगा, और आपको लगे कि यूजफुल है तो आपने जान पहचान में जिनके यहाँ पे भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हो, कोई ऑफिस वगैरह हो, उनसे आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, जैसे आपकी फैक्ट्री अभी चल रही है वैसे भी चलती रह सकती है, और कोई दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, और कोई फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस शरीर में, जिस फैक्ट्री में, जिस बिल्डिंग में आपको जीवन भर रहना है, उसको आप टनाटन रखिए, ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, बच्चों के साथ खेलिए, खुद खेलिए, दोस्तों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए, ढंग का खाना खाइए, और दुनिया की सबसे मीठी लाइन, जय हिंद।